हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी आना। तो आज हम करने वाले हैं मिलेनियम साइंस फॉर जूनियर क्लास 4 के चैप्टर 11, हाउ डज द वेदर चेंजेस। तो इसमें हम यही पढ़ने वाले हैं कि जो वेदर होता है वो चेंज कैसे होता है, ठीक है, और वेदर चेंजेस के क्या प्रोसेस होते हैं, और किस मतलब जब वेदर चेंज होता है तो किस हमारे एनवायरमेंट के पार्ट का क्या हाथ होता है। तो ये हम सब मतलब लगभग पूरा जो चैप्टर था हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम इसके बैक एक्सरसाइजेस देखने वाले हैं, और ये चैप्टर का पार्ट 3 है। तो मतलब लगभग आज हम चैप्टर जो है वो खत्म कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने पढ़ लिया था कि जो रेन होती है ना, रेन से क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे वेदर पे, या रेन कैसे होती है, ये हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे कि जैसे रेन तो एक टाइप की प्रिटिपिटेशन की एक टाइप का एग्जाम्पल है, तो हम उसके और भी देखेंगे रूप प्रिटिपिटेशन के। तो एक है फॉग। देखो, फॉग जो होता है वो विंटर्स के टाइम पे होता है, जब जो ठंडी हवा होती है, बहुत ज्यादा ठंडी हवा होती है, तो जब वो वाटर वेपर भी एक टाइप का वाटर ही है, तो जब बहुत ठंडी हवा चलती है तो क्या होता है, वो कंडेंस होता है, मतलब फ्रीज होता है, ठीक है, तो रेफ्रिजरेट टाइप का हो जाता है। और उसमें क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, और मतलब जो ये सब पार्टिकल्स जो होते हैं ना, इनकी वजह से क्लाउड टाइप का बन जाता है वाटर का, और ये ड्रॉपलेट्स, टीनी टीनी ड्रॉपलेट्स होते हैं। तो ये टाइप का ना ऐसा हो जाता है कि हमें आगे का कुछ दिखता नहीं है कि आगे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ज्यादा मतलब क्लियर नहीं होता। फॉग आप सबने देखा ही होगा अपने सर्दियों में, अभी अभी जस्ट सर्दियों का मौसम होके गया तो देखा ही होगा। तो ये सब जो होता है ना, ये होते हैं हमारे फॉग। नेक्स्ट देखते हैं ड्यू। तो देखो, जब विंटर की नाइट्स होती हैं तो मॉइस्चर जो, देखो जैसे अगर विंटर की नाइट है तो क्या होता है कि हल्की फुल्की मॉइस्चर होती है हमारे लैंड के आसपास, और वाटर वेपर्स क्योंकि हर जगह प्रेजेंट होते हैं, ये हमें पता है। वाटर वेपर तो क्या होता है, वाटर वेपर किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, टीनी ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये जो वाटर होते हैं ये लाइक ग्राउंड के सरफेस पे ये आ जाते हैं रात के समय पे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आप सुबह सो के उठोगे 6 या फिर मतलब 5-6 बजे के आसपास, 4 बजे के आसपास, अगर आप सुबह सर्दियों के मौसम में उठोगे तो आप देखोगे कार के ऊपर भी ट्रेन ड्रॉपलेट्स हैं, या ना व्हीकल्स पे, देखा, कार के ऊपर, ग्रासेस पे, लीव्स पे, तो इन सब में ना रात को ड्रॉपलेट्स होती है, तो उन्हें हम बोलते हैं ड्यू, ठीक है। नेक्स्ट फ्रॉस्ट क्या होता है, देखो जब बहुत ही ज्यादा कोल्ड वेदर होता है, ठीक है, जैसे कि जम्मू कश्मीर वगैरह में जैसे बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम कोल्ड वेदर होता है, तो वहां पे ड्यू जो है वो थोड़ा और हाई लेवल का हो जाता है, और वो क्या एक टाइप की फ्रॉस्ट बन जाता है, मतलब कि क्रिस्ट जो स्नो के फॉर्म में हो जाता है, ठीक है, वो होता है हमारा फ्रॉस्ट, आप यहाँ पे देख ही सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि देखो हेल क्या होता है। हेल एक टाइप के देखो रेन ड्रॉपलेट्स होते हैं जो फ्रीज हो जाते हैं, मतलब कि एक स्नोफॉल टाइप का होता है, ठीक है, इसपे स्मॉल आइस के बॉल्स गिर रहे होते हैं, और एक टाइप के ओले भी से आप कह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट स्नो। अब वो तो जो हेल थी एक टाइप के ओले थे, और स्नो जो है ये स्नोफॉल वाला स्नो है, ये स्नो है कि इस टाइप का स्नो है, ठीक है। देखो इसमें जब होता है कि जो फॉर्मेशन ऑफ मिलियंस ऑफ स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स, मतलब वहां पे तो वाटर वेपर था, ठीक है, इधर ड्रॉपलेट्स पे एकदम डायरेक्ट पहुंच गया, तो वहां पे आ जाती है हमारे स्नो, ठीक है। अब देखो वेदर हमारे रहन सहन को कैसे इफेक्ट करता है, अब हम ये देखने वाले हैं। तो देखो वेदर जो होता है वो चेंज करता है, जैसे सीजन के हिसाब से वेदर भी जो है, सीजन जैसे चेंज करता है वैसे वेदर भी चेंज करता रहता है, ठीक है। तो देखो ये इफेक्ट क्या करता है कि, और ये इफेक्ट करता है जैसे कि हमारे क्लोथ, कैसे हम कपड़े पहनते हैं, हम गर्मियों में अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं और सर्दियों में अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं। हम खाने के पे भी हमारे डिपेंड करता है, गर्मियों में हम आइसक्रीम खाते हैं, सर्दियों में हम आइसक्रीम नहीं खा पाते हैं, तो हमारे खाने के तरीके को भी वो लाइक इफेक्ट करता है, इवन हमारी एक्टिविटीज को भी वो इफेक्ट कर देता है। जैसे अगर आप कभी देखो तो आप सुबह गर्म पानी से नहाते होगे सर्दियों में, बट आप गर्मियों में ठंडे पानी से नहाते हो, तो हमारी एक्टिविटीज को भी डेली डेली के इफेक्ट कर देता है। कुछ लोग तो और महान होते हैं जो गर्मी सर्दियों में भी नहीं नहाते हैं, बल्कि हमें नहाना चाहिए क्योंकि हमारी हेल्थ को प्रॉपर हाइजीन चाहिए होता है। अगर आप रोज नहीं नहाओगे तो एक्सट्रीम बीमारियों से गुजर सकते हो इसीलिए, ठीक है। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि देखो रेनफॉल जब हेविली ऑन रोड होता है, रोड पे जब बहुत ही तगड़ी तगड़ी बारिश होती है तो फ्लडेड रोड हो जाती है, मतलब कि बहुत बाढ़ बाढ़ जैसा आ जाता है, ठीक है। तो थंडर स्टॉर्म्स ये सब रेन वगैरह ये सब भी हमारे ट्रीज को और हाउसेस को डैमेज कर देता है, और ये तो हो गई हमारे रेनी सीजन की बात, कैसे हमें इफेक्ट कर देता है हमारे जो हमें जैसे कि हमारे को रेन कैसे इफेक्ट करती है, हमारे वेदर हमारा वेदर हमारे रहन सहन को कैसे इफेक्ट करता है। तो अगर रेनी वाले की हम बात करें अगर, तो कैसे हमारे हाउस हाउस ट्रीज को बहुत इफेक्ट पड़ता है। समर की बात करें अगर हम करें तो जैसे हॉट, इतना हॉट होता है कि हमारे स्कूल वगैरह जो होते हैं उनकी भी हम टाइमिंग भी चेंज हो जाती है, ठीक है,
बच्चों को भी बहुत गर्मी की वजह से कुछ बच्चे फेंट वेंट हो जाते हैं, तो आपने देखा ही होगा। तो इस हिसाब से हमारी चीजें जो है वो चेंज होती रहती है। अब सर्दियों की बात करें तो हमें मतलब लाइक ना चाह के भी हमें घर में रहना पड़ता है, जैसे हमें सर्दी ना लग जाए, ठीक है, हैवी फॉग होता है तो हमें आगे क्या है वो दिखता नहीं है कि एकदम ढंग से हमें दिखता नहीं है, ठीक है। तो ये सब होता है, इन सब की वजह से हमारा जो है रहन सहन वो वेदर के हिसाब से चेंज होता रहता है। समटाइम्स जो वेदर होती है वो हमें कंफर्टेबल फील करवाते हैं, ठीक है, जैसे स्प्रिंग या फिर ऑटम की बात करें तो वो कभी कभी हमें कंफर्टेबल भी फील कराते हैं कि भाई इतनी भी ठंड नहीं है, इतनी भी गर्मी नहीं है, ठीक है, बट कभी कभी हमें उनकी वजह से घर में भी रहना पड़ जाता है, ठीक है। जैसे अगर हद से ज्यादा गर्मी होगी तो घर में रहना पड़ता है, हद से ज्यादा ठंडी होगी तो घर में रहना पड़ता है। तो ये सब देखो हमारे जो वेदर है हमारे को डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस, हर सीजन में डिफरेंट एक्सपीरियंस हमें देते हैं। इसी को लाइफ लाइफ कहते हैं, लाइफ की हैप्पीनेस यही होती है जब हम डिफरेंट डिफरेंट, अब आप सोचो पूरे टाइम पे समर ही एक्सपीरियंस करते रहोगे तो बोर नहीं हो जाओगे पूरे 12 मंथ्स तक। अगर आप उसी में थोड़ा विंटर थोड़ा समर एक्सपीरियंस करोगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा कि अब चलो भाई गर्मी खत्म हुई सर्दी आएगी, एक्साइटेड एक्साइटमेंट बनी रहती है लाइफ में, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे यहाँ पे बैक एक्सरसाइजेस। तो जैसे कि आप सब जानते ही होंगे कि हमारे YouTube चैनल को कम्युनिटी पोस्ट का ऑप्शन मिल गया है, वहाँ पे हमने एक पोस्ट भी की थी कि कॉन्ग्रेचुलेशन एंड हैप्पी होली आप सबको इस चीज़ की। और अब हम यहाँ पर डालेंगे पोस्ट, मतलब कि जहाँ से आप एक क्विज ले सकते हो, शॉर्ट टर्म क्विज जो आपको हम देते थे टेलीग्राम पे, वहाँ पे पर टेलीग्राम में भी आते रहेंगे और यहाँ पे, वैसे टेलीग्राम में इसमें थोड़ा और अपग्रेडेड वर्जन में होंगे तो आप वहाँ से जाकर हमें ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर भी देख सकते हो। बाय द वे यहाँ पे हम देते हैं आपको क्विजेज, आप यहाँ से खेल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि देखो वेदर जो है वो चेंज होता है ड्यू टू, अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि वेदर जो है वो किसकी वजह से चेंज होता है, एयर की वजह से, वाटर की वजह से, क्लाउड्स की वजह से, या फिर बोथ। देखो यहाँ पे जो इसने टिक किया है हमारे स्टूडेंट ने, आप एकदम उस पर मत जाना क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो दोनों में टिक कर दिया है, ये देखो तीनों में टिक कर दिया, तो हमें नहीं पता कि कौन सा सही है ना। तो हम एकदम दिमाग लगा के अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि कौन सी हमारा जो वेदर है वो चेंज किन कंडीशंस की वजह से होता है। देखो वेदर चेंज होता है ड्यू टू दी किन सब की वजह से, देखो एयर की वजह से होता है, ऊपर पढ़ा था हमने, ठीक है, ब्रीज ब्रीजेस की वजह से। नेक्स्ट वाटर की वजह से भी होता है, रेन वाला हमने पढ़ा था। क्लाउड्स की वजह से भी होता है, क्या क्लाउड की वजह से होता है? नहीं, एयर एंड वाटर की वजह से होता है, क्लाउड की वजह से नहीं होता है, ठीक है। क्यों, हमने कहीं ऊपर पढ़ा है? नो, क्योंकि देखो क्लाउड एक टाइप का ऐसा कंपोनेंट है जो जिसका अलग ही साइकिल चलता है, ठीक है, वो नहीं, उसकी वजह से किसी भी वेदर किसी भी टाइप के वेदर को इफेक्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे जबकि इन दोनों की वजह से बोलो तो क्लाउड को इफेक्ट होता है, ठीक है, ना कि वेदर को। तो इसका आंसर होगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि एयर जो है शुड बी डैश फॉर इवेपोरेशन, मतलब कि एयर को क्या करना चाहिए इवेपोरेशन करने के लिए, ह्यूमिड करना चाहिए, वार्म करना चाहिए या फिर ड्राई। तो देखो बोथ फर्स्ट एंड थर्ड, देखो ह्यूमिड से तो भाई इवेपोरेट नहीं होगा, उससे कुछ होगा ही नहीं एक्चुअली, वो वही का वही पड़ा रहेगा, ठीक है। अगर हम उसको गर्म करेंगे, वार्म करेंगे, है ना, उसको सुखाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, इवेपोरेशन हो जाएगी। तो इसका सही आंसर ये वाला होने वाला है, ठीक है। ये नेक्स्ट की रेट करना है इवेपोरेशन डिपेंड ऑन, देखो अब आप बताओ कि इवेपोरेशन किसकी वजह से होता है, एयर की वजह से होता है, ठीक है, एयर पे डिपेंड करता है या फिर उस जगह पे डिपेंड करता है या फिर टेम्परेचर पे। तो मेरे हिसाब से इन सब पे डिपेंड करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये बोल रहे हैं कि पैलेट्स ऑफ फाउंड फाउंड इन वेरी कोल्ड रीजन, तो हेल स्टोन्स, मतलब कि एक एक टाइप की जैसे जो पैलेट्स जो होती हैं वो एक टाइप की आइस होती है जिसको हम हेल स्टोन में हमें मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि जो डेंस क्लाउड है उसकी जो ड्रॉपलेट्स है, ठीक है, जो डेंस क्लाउड है वहां की उसकी जो ड्रॉपलेट्स है, ठीक है, उस जो लैंड के आसपास होती है, तो ये हमने जस्ट अभी इसी वीडियो में हम ऊपर पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी है, इसका आंसर क्या है, फॉग है। और मैं कैसे याद दिला दूं कि भाई फॉग है, जहां पे लैंड और ड्रॉपलेट्स की बात करें, वाटर ड्रॉपलेट्स और लैंड की दोनों के साथ में बात करें, आप वहां पे आके बंद करके फॉग लिख देना, ठीक है, वहां पे आके बंद करके आप लोग फॉग लिख देना। आगे नेक्स्ट देखते हैं, ये बोल रहा है कि डैश एंड डैश इज एयर लाइटर देन कूलर डैश। देखो यहाँ पे कहने का मतलब है कि कौन सी एयर किससे हॉट होती, कौन सी एयर किससे लाइटर होती है, यहाँ पे इसका आंसर सही वाला है, हॉट एयर जो है वो कूलर एयर से ज्यादा हॉट वो लाइटर होती है। देखा नहीं है, हॉट एयर जो होती है वो लाइटर होती है, इसलिए वो ऊपर चली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि वाटर जो है वो इवेपोरेशन इंक्रीज होता है कब, जब हम क्या करते हैं, देखो
यहाँ पे इनके कहने का मतलब है कि वाटर वेपर जो है वो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है जब हम उसको लार्ज जगह पे लेके जाते हैं, तो वो इंक्रीज होता है। इसीलिए हम प्रेफर करते हैं कि हम छतों पे, खुले एरिया पे अपने कपड़े फैलाएं, बंद कमरे में ना फैलाएं। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट बोल रहा है कि चेंज ऑफ वाटर वेपर ऑन कूलिंग इज, देखो कूलिंग की बात करी जाए यहाँ पे, सी फॉर कूलिंग, सी फॉर कंडेंसेशन, तो यहाँ पे हो जाना है कंडेंसेशन। ठीक है, आगे देखते हैं। तो डैश फॉल्स फ्रॉम दी क्लाउड, देखो जहां पे क्लाउड की बात करें वहां पे आंखें बंद करके हेल लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट ये बोल रहा है कि कंडीशन, एटमॉस्फेयर, पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस। तो यहाँ पे देखो एक कंडीशन जो पर्टिकुलर टाइम के लिए हो और प्लेस पे हो, तो पर्टिकुलर टाइम यहाँ पे इसे गलत लिखा है, वेदर की जगह यहाँ पे सीजन होना चाहिए। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है ना। अब नेक्स्ट ये बोल रहा है कि चेंज ऑफ वाटर वेपर ड्यू टू द हीट, तो हीट की वजह से कुछ, हीट की बात करी जाए और वाटर वेपर की, तो यहाँ पे इवेपोरेशन लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट ये बोलता है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर, तो जब वाटर वेपर एयर में होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिड बोलते हैं। ठीक है, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि फॉर्म ऑन ग्रास एंड प्लांट ड्यूरिंग द कोल्ड नाइट, तो अभी अभी हम यहाँ पे पढ़ के आए थे, ये देखो हमने यहाँ पे नाइट में ये होता है, इसको हम ड्यू बोलते हैं, मतलब हम इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ओस बोलते हैं, और इंग्लिश में हम ड्यू बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ड्यू आ जाना है। नेक्स्ट बोल रहा है कि फ्रोजन रेन ड्रॉपलेट्स, इसको हम बोलते हैं स्नो। ठीक है, तो क्योंकि स्नो में हमारी एयर वाटर होता है, ठीक है, वाटर वेपर नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे वाटर होता है, इसीलिए हम इसको स्नोफॉल, स्नो बोलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और यहाँ पे ये यह हमारा जो है क्वेश्चन आंसर खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हरे कृष्णा।